मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही बढ़िया और सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही किचन में गई तो मम्मी जी कुछ बना रही थी, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो उन्होंने घी गरम किया और उसमें अंदर 1 कप सूजी डाल दी। तो अभी समझ नहीं आ रहा कि मीठा कुछ बना रहे हैं या कुछ नमकीन बना रहे हैं। चलो देखते हैं आगे हम। तो सूजी, हम इसको कुछ देर तक सूजी भूनते रहेंगे। तो मम्मी जी इसको भून रही है, पका रही है। तो जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, देखो काफ़ी इसका कलर चेंज हो गया है। ये थोड़ी ब्राउन ब्राउन सी, गोल्डन ब्राउन होने लग गई है। तो इसको थोड़ी देर और पकाना है। और उसके बाद जैसे ही अच्छे से पक जाएगी, इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिए। और इसके साथ ही इसको थोड़ा और पकाएंगे। और गैस की फ्लेम बंद कर थोड़ी सी, क्योंकि नीचे ये देखो सूजी चिपक रही है, थोड़ा जलने लग गया है। तो अभी इसके अंदर डाल दिया नारियल, और इसको भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया। तो थोड़ी देर इसको और पकाना है अच्छे से, ताकि नारियल का कच्चापन भी ना रहे, अच्छे से वो भी पक जाए। तो इस तरह से लगातार चलाते रहना, ताकि ध्यान रहे नीचे ना चिपक जाइए, नीचे ना लग जाए, कहीं सूजी जल जाए नीचे से। और गैस की फ्लेम बिल्कुल कम ही रखनी है। तो इसमें चीनी डाल दिए। तो मेरी हर वीडियो में मैं ये बताती हूँ कि चीनी जैसे आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हो, कि कुछ लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, कुछ को कम पसंद होता है। इस तरह नमक मिर्च भी मैं से हर वीडियो में बताती हूँ कि आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है चीनी, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अब देखिए इस तरह से पक गया है। तो अभी इसके अंदर दूध डाल रही है मम्मी जी। तो आधा कप इसके अंदर दूध डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो सूजी है वो भी दूध के साथ अच्छे से पक जाएगी, फूल जाएगी वो पूरी तरह से, और ये पूरा जो दूध डाला है ये पूरा सोख लेगी, बिल्कुल ये डो की तरह बन जाएगा। थोड़ी देर और पकाएंगे तो ये देखो अभी ये हलवे की तरह लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा और पकाना है इसको। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए बिल्कुल देखो ये, अगर ये चिपकने लग जाए तो 1 चम्मच घी आप और डाल सकते हो इसके अंदर। तो अब इसको ठंडा होने रख देंगे। तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा, इससे थोड़ा सा लेके, या तो आप इसके पीसेस कट कर सकते हो इसको जमा के, या फिर आप इस तरह से इसके लड्डू बना के रेडी कर सकते हो। तो देखो कितनी आसानी से और झटपट